कीर्तिमंत बुद्धिवंत कलावंत श्रीमंत आशीष्यमंत छत्रपति शिवाजी महाराज, दिल में है अल्लाह का नाम, जुबा पे माँ बाप का नाम, सभी भाइयों को, दोस्तों को, बच्चों को हाजी अराफा शेख का सलाम। दरअसल आज मुझे गर्व है, मुझे अभिमान है कि मैं नीलेश लंके का दोस्त हूं। पिछले कई सालों से हमने साथ में काम किया, भारतीय विद्यार्थी सेना से शुरुआत हुई और कई साल कई साथ में आंदोलन किए, कई सभा किए, लेकिन आज मैं देश भर की तो बात नहीं करूंगा कि मैं देश भर नहीं घूमा, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर अगर जिस प्रकार से ये कोविड सेंटर होगा तो मेरे भाई नीलेश लंके ने बनाया। मुझे ऐसा लग रहा था कि जो महाराष्ट्र के अंदर जहां जहां कोविड सेंटर में जाते हैं, जो माहौल देखते हैं, एक डर का माहौल, एक खौफ का माहौल, कोविड सुनने के बाद आदमी डर जाता है। कुछ दिनों पहले मैं एयर इंडिया में सफर कर रहा था, एयर इंडिया के जो एयर होस्टेस थे, जिस तरीके से वो मास्क और जिस तरीके से उन्होंने पीपी किट पहना था, मैं यहां आने के बाद मैंने कुछ अलग ही नजारा देखा। उस तरफ गया तो अलग नजारा, बाहर पीछे निकला तो कुछ अलग नजारा, और कोविड सेंटर के अंदर मैं जब देख रहा था, एक जात पात को बाजू में रख के सभी जाति धर्म को लेके साथ में चलने वाला अगर महाराष्ट्र कोई नेता है तो नीलेश लंके। कोई पीपी किट नहीं, मुझे थोड़ी देर के बाद खुद को शर्म आ गई कि मैं इतना बड़ा पीपी किट पहन के घूम, तो मास्क के पहन के घूम रहा हूं और इनके कार्यकर्ता। लेकिन मैं नीलेश भाई इतना ही कहूंगा, आप आपका ख्याल रखो, आप महाराष्ट्र के एसेट हो, महाराष्ट्र को आपकी जरूरत है, इस देश को आपकी जरूरत है। ऐसे हजारों लाखों नीलेश लंके हर घर घर में पैदा होना चाहिए, तब जाके महाराष्ट्र के अंदर कुछ काया पलट होगा। कोविड सेंटर में आने के बाद एक डर का माहौल होता है, लेकिन मैं अंदर जाने के बाद देखा तो एक डिस्को जैसी आवाज आने लगी, लावनी की आवाज आने लगी। तो मैंने उनके पीए से पूछा अंदर क्या है, तो अंदर जैसे मैंने टर्न किया तो पेशेंट नाच रहे थे। तो मतलब ये तो बड़ा कमाल का काम देखा, एक ऐसा माहौल कि जिन्होंने अपनी बीमारी को भूल गए कुछ वक्त, कुछ घंटे, कुछ मिनट के लिए, और एक तरफ आकर कुछ लोग यहां पे नाच रहे थे, ये अपने आप में एक बड़ी बात है, एक सलूट वाली बात है। कार्य सम्राट आमदार तो है ही है, एक लोक नेता है ही है, लेकिन एक गांव से, इस देश से, इस महाराष्ट्र से एक खानदान बनाने वाला अगर कोई आमदार होगा तो नीलेश लंके। मुझे सच में आने के बाद जो मन के अंदर कुछ, मुझे भी कोविड हुआ था, मैं भी बहुत सीरियस हुआ था, मुझे नहीं पता था कि मैं मेरे घर फिर जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, इस तरीके का माहौल था, घर में मां रो रही थी, बच्चे रो रहे थे, एक डर का माहौल था, डॉक्टर भी डरता था, नर्स भी डरती थी, दवा देने वाला भी डरता था, दवा खाने वाला भी डरता था। लेकिन जब 3 घंटे 4 घंटे यहां पे बैठा तो सच में जो कितने 1-1.5 साल का जो डर था वो आज पूरा का पूरा निकल गया। कि मुझे लगा कि जो मन में डर था, खौफ था कि वापस कोविड तो मुझे होगा कि नहीं होगा, लेकिन यहां से आने के बाद एक हिम्मत लेके जा रहा हूं, एक ताकत लेके जा रहा हूं, एक जोश लेके जा रहा हूं। मुझे यकीन है महाराष्ट्र के अंदर
नीलेश भाई आपको सभी लोगों की दुआ जरूर मिलेगी। जब जब महाराष्ट्र के लोग को मुझे फोन करते हैं, लेकिन जब दुबई से फोन आता है या सऊदी अरब से फोन आता है और वो कहता है कि आपके महाराष्ट्र में एक ऐसा आमदार है जो मुसलमानों की कितनी सेवा कर रहा है, दुबई से जब फोन आता है और कहते हैं एक आमदार जिनका फोटो मैंने आपके घर में देखा वही आमदार है ना, तो मैंने कहा वही आमदार है, उसका नाम नीलेश लंके है, वो मेरा दोस्त है। तो जब जब कोई बाहर से एक व्यक्ति जिनका कोई संबंध नहीं, जो इस महाराष्ट्र से नहीं, जिनका कोई और रंग से संबंध नहीं, जो कोई किसी पार्टी से संबंध नहीं, और वो व्यक्ति अगर नीलेश लंके के बारे में कहता है तो गर्व से सीना फूलता है कि मेरा दोस्त नीलेश लंके आज महाराष्ट्र की उस मुकाम पे पहुंच गया। और भी कुछ लोग जो सोचते होंगे, जब हम दोनों साथ में काम करते थे तो मैंने कहा था कि देखिए ये महाराष्ट्र का एसेट है, ऐसे मत छोड़ना, लेकिन कुछ लोगों ने गलतियां की और अपना एसेट दूसरी तरफ चला गया। और लोग आज सोचते होंगे, वो लोग सोचते होंगे कि हमने क्या खो दिया। आज अकेले अगर कभी बैठते होंगे तो कुछ ना कुछ मन में पछतावा होता होगा, लेकिन हम वही भारतीय विद्यार्थी सेना के कार्यकर्ता है, आज भी है और आगे भी रहेंगे, वही कार्यकर्ता जो माननीय बाला साहब को मानते आज भी है, कल भी मानते रहेंगे। पार्टी कोई भी हो, हम दोनों ने साथ में पार्टी छोड़ी, मैं भारतीय जनता पार्टी में जाके कैबिनेट मंत्री हो गया और मेरा भाई आमदार हो गया, दोनों के नसीब खुले, दोनों को काम करने का मौका मिला, दोनों सेवा कर रहे, कोशिश करेंगे कि अल्लाह हमको महाराष्ट्र के अंदर लोगों की सेवा करने का मौका दे। मैं नीलेश लंके को इतना ही दुआ दूंगा, अल्लाह उनको खुश रखे, आबाद रखे, जिंदगी में गम का नाम ना आए, अल्लाह उनकी खूब लंबी हयाती दे, अल्लाह उनकी खूब लंबी उम्र दे, ताकि महाराष्ट्र के अंदर कोने कोने में, गांव गांव में, जिले जिले में, तालुका तालुका में, हर एक घर के अंदर वो अपना काम कर सके और महाराष्ट्र के अंदर लोगों को अपनी मदद दे सके, अपनी आइडिया से, अपनी ताकत से, अपने उत्साह से, अपने जोश से हर महाराष्ट्र के अंदर नीलेश लंके बहुत सारे पैदा होना चाहिए। ये मेरी खास तौर पर नीलेश लंके जी के लिए दुआ रहेगी, यही आपसे कह के विदा लेता हूँ। लेकिन सच में महाराष्ट्र में कई जगह भाषण करने का मौका मिला भारतीय विद्यार्थी सेना से लेकर आज तक के, लेकिन पहली बार इतने सारे बीमारों के सामने भाषण करने का पहली बार मौका मिला। हमने तो सोचा कि मास्क वास लगा के जाऊंगा और मास्क लगा के जाके उन पेशेंटों को देखूंगा, मेरे भाई को थोड़ा सा खजूर दूंगा, एक खजूर खा के इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करूंगा, दुआ दे के आऊंगा, लेकिन यहाँ तो कुछ अलग नजारा मिला। लेकिन मैं आप लोगों से इतना ही कहूंगा, इसी तरीके से अंदर हर चीज, कोई ऐसी चीज नहीं कि मैं 10-10 मिनट में बैठा तो कोई गोली ला के देता था, कोई चॉकलेट ला के देता था, पीछे से एक आदमी बोला कि भाई अंडे भी अंडे दू क्या? अरे बोला भाई मैं कोई होटल में नहीं आया हूँ, तो बोले ये होटल से भी कम नहीं है। एक बच्चा घूम रहा था, वो बच्चा बोला कि मेरे को छुट्टी कल मिलने वाली है, लेकिन आमदार साहब को बोलो 4 दिन और रखने के लिए दो। बोला बेटा आप घर जाओ, यहाँ रहने की जरूरत नहीं है, ये मेरी दुआ है, आप अच्छे से जाओ। नहीं, लेकिन यहाँ पे मेरे को मजा आ रहा है। तो ऐसा पहले मैंने कभी नहीं देखा, और वाकई में कोई सामने बोलने की बात नहीं है, कोई ऐसी पीछे वाह वाह करने की बात नहीं है, जो काम मैंने देखा और जिस तरीके से लोगों ने मदद किया, उन लोगों का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा राइट जगह पे राइट इंसान के पास मदद भेजनी चाहिए। मेरे तरफ से भी जितनी मदद होंगी बिल्कुल मैं करूँगा, अपना भाई होने के नाते। मैंने सुना कि जिस दिन से यहाँ पे लोग एक एक गायक आ रहे हैं, अपनी अपनी गायिका से लोगों को मनोरंजन कर रहे और फ्री ऑफ चार्ज में कर रहे, अपने आप में एक बड़ी बात है। उन लोगों का, उन गायकों का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि जिस तरीके से लोग आप कोविड सेंटर में आने के बाद लोगों की इतनी मदद कर रहे हैं, लोगों का एंटरटेनमेंट कर रहे और लोगों को उत्साह बढ़ा के जाने का काम कर रहे, मैं भी उसमें एक हिस्सा बनकर, आपका भाई बनकर, एक लीडर बनकर नहीं, जब कभी भी नीलेश लंके जी आप मुझे आवाज देंगे, ये हाजी आराफा शेख आपके साथ हमेशा हमेशा खड़ा रहेगा, यही कह के यही रुकता हूँ। जाता जाता माझे वरती कवि कुसुमाग्रजांची कविता सांगून जातो, चला भारू सुरसुळे गर्वानेवरती, चला भारू सुरसुळे गर्वानेवरती, कथा या खुळ्या सागराला
अनंत आमची दया शक्ती, अनंत आमची आशा, किनारा तुला पामराला, किनारा तुला पामराला,